चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 के चलते 25 मार्च के बाद सारे स्कूल, कॉलेजेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इससे स्टूडेंट की स्टडी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए इतना समय नहीं मिल पाने के कारण अभी सिलेबस को रिड्यूस करना आवश्यक हो गया है। इसी के रिगार्डिंग HRD मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षणिक संस्थाओं से सुझाव की अपील की है। इस ट्वीट में लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश भर से CBSE के पाठ्यक्रम को कम करने की मांग को देखते हुए सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षणिक संस्थाओं से अपील है कि वे इस दिशा में अपने सुझाव #syllabusforstudents2020 के साथ मेरे ट्विटर अकाउंट @drrpnisank या मंत्रालय के ट्विटर @HRDMinistry पर साझा करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर के सिलेबस को कम करने के लिए जो भी आपके सजेशन हैं उसको ट्वीट जरूर करें। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो आइए सुनते हैं क्या अपील की है उन्होंने सुझाव के बारे में। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जहां पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है और शिक्षा पर भी उसका असर पड़ा है, पूरे देश भर से मैं देख रहा हूँ काफी समय से कि अभिभावकों का और भिन्न भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का, यहाँ तक कि छात्रों का, शिक्षाविदों का लगातार संदेश आता रहता है मुझे, कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, कोई मेल करते हैं कि जो वर्तमान CBSE का जो पाठ्यक्रम है उसको कम होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि लगातार ये जो सुझाव आ रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि आप सुझाव भेजें सभी शिक्षाविदों से। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूँ, शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध कर रहा हूँ, और जो भी इस दिशा में रुचि रख रहे हैं, क्या सुझाव के ठोस सुझाव आपके मन में यदि होगा तो आप जरूर इस सुझाव को दीजिए और इस एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके सुझावों को हम प्रतीक्षा करेंगे। मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर आप सीधे अपना सुझाव भेज सकते हैं, मेरे मंत्रालय के ट्विटर पर, मेरे ट्विटर पर, कहीं भी आप अपने सुझाव को भेजेंगे और आपके सुझावों को देखकर एक बार उस पर विचार विमर्श करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और आपके सुझाव उस पीढ़ी के लिए, छात्र के लिए, उसके पाठ्यक्रम के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके आगे की प्रगति के लिए, मुझे भरोसा है कि जो आपके सुझाव होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उन महत्वपूर्ण सुझावों को जरूर उस पर विचार विमर्श करके हम कोशिश करेंगे कि उस पर आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि पूरे देश के शिक्षाविदों से और सभी शिक्षक गण से और जो लोग लगातार मुझे ये ट्वीट कर रहे हैं या मुझे मेल करके ये सुझाव दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने ठोस सुझाव आप दें ताकि उस पर हम मंत्रालय, मेरा मंत्रालय गहन विचार विमर्श कर सके। धन्यवाद।